search Tayo the Little Bus on YouTube. काम की अदला बदली। काम करने के बाद जीनी और डीजल वापस चूचू शहर जा रहे हैं। डीजल, क्या आज बहुत मेहनत की तुमने? हाँ, सामान कुछ ज्यादा ही भारी था। मुझे स्टेशन पहुँचने में देर हो गई तो यात्री नाराज होने लगे। मेरा काम बहुत मुश्किल है। तुम्हें अपना काम मुश्किल लगता है? भारी सामान खींचोगी तब पता चलेगा कितना मुश्किल है। क्या, यात्रियों को ले जाना बहुत मुश्किल होता है? सिर्फ सामान खींचने से बिल्कुल अलग काम है। सिर्फ सामान खींचना, पता भी है कितनी मेहनत लगती है? ये काम एक दिन भी नहीं कर पाओगी तुम। और तुम मेरा काम एक घंटा भी नहीं कर पाओगे डीजल। अरे छोड़ो, ये तो मिस्टर ह भी बताएंगे अब कि किसका काम मुश्किल है। मुझे मंजूर है। तो पहले मैं जाकर पूछूंगा उनसे। ये ठीक नहीं। हम आ गए मिस्टर। शाबाश मेरे बच्चों। सामान खींचना यात्रियों को ले जाने से ज्यादा मुश्किल है ना सर? लेकिन ये बात तुमने क्यों पूछी? इसने गलत कहा ना, यात्रियों को ले जाना ज्यादा मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा काम ज्यादा मुश्किल है। नहीं, मेरा काम है। मेरा काम मुश्किल है। तुम गलत कह रही हो। शांत हो जाओ। तुम गलत हो। अगर सच में जानना चाहते हो तो खुद करके देख लो। क्या, खुद करके देख ले मिस्टर? दूसरे का काम, काम की अदला बदली से पता चल जाएगा कि किसका काम मुश्किल है। मेरे ख्याल से पर क्यों मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, भला इसमें मुझे क्या मुश्किल होने वाली है? मैं तैयार हूँ। मैं भी। ठीक है, तो दोनों को शुभकामनाएं। शुक्रिया। ओ, डीजल आ रहा है। डीजल। ओ लोको, कैसे हो? क्या ये सच है तुम माल बोगियों की जगह यात्रियों को ले जाओगे? हाँ सच है। शायद मुश्किल होगी क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना तुम। अरे छोड़ो, जीनी से तो लाख गुना अच्छा करूँगा मैं, चिंता मत करो तुम। रात में ज्यादा मत घूमो। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। शायद सही कह रहा है। तो इसलिए मैं मालगाड़ी बनकर काम करूँगी। ओ, तो जीनी कल से तुम डीजल का काम करने वाली हो? हाँ ऐसा ही है। क्या तुम कर पाओगी? सामान बहुत भारी होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ डिब्बे खींचने में क्या मुश्किल हो सकती है? चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। ठीक है। अगले दिन जीनी और डीजल काम पर जा रहे हैं। जीनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या, अच्छा नहीं करने की? अरे नहीं, कहीं मैं ज्यादा अच्छा ना कर जाऊं और यात्री फिर मेरे बिना रह नहीं पाएंगे ना। बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सच में? मुझे ये डर है कहीं मुझे दोनों काम करने के लिए ना कह दिया जाए। चलो ठीक है, अच्छे से करना। तुम्हें भी गुड लक। डीजल अपने पहले स्टेशन पर पहुंच गया है। सबका स्वागत है। क्या ये नई ट्रेन है? हेलो। कैसी बदबू है ये? तुम नहा कर नहीं आए क्या? कितनी गंदगी है। भी है। नहाना तो भूल ही गया। कम से कम नहा के तो आना चाहिए था। ठीक है, अगर सब सामान लोड हो गया हो तो मैं चलता हूँ। सामान लोड हो गया हो तो? हम कोई सामान नहीं है। बड़ी ही अजीब हरकत। माफी चाहता हूँ, सिर्फ आदत की वजह से निकल गया। डीजल अपने अगले स्टेशन पर पहुँच गया। हम स्टेशन पहुँच गए। अरे ये क्या, मैं स्टॉप लाइन पर नहीं रुका। एक मिनट रुकिए सब लोग। मैं अपने निशान पर पहुंच गया। नहीं, मैं आगे निकल आया। हो गया, अब आप लोग उतर सकते हैं। ये कोई ट्रेन है या पार्क का झूला? मुझे देर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ, आपका दिन अच्छा बीते। मुश्किल है ये काम, तो जीनी को हर रोज ये करना पड़ता है। कितनी मुश्किल होती होगी उसे। टिटीपो, टिटीपो। इधर जीनी खदान में पहुंच गई।
खदान इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती है? जीनी। हेलो टोनी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ, मिस्टर हर्ब ने बताया तुम डीजल की जगह आई हो ना? हाँ। ये क्या? भूखा भाग गया, हमें छुपना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। सच में? चट्टानों में विस्फोट किया गया था ताकि उन्हें निकाला जा सके। बहुत तेज आवाज थी। बाय जीनी, फिर मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, बाय बाय टोनी। चलो काम शुरू करते हैं। जीनी, जीनी, जीनी यहाँ पर। वाह, अच्छी जगह है। जीनी। अभी आई। जीनी, सुनती नहीं मेरी आवाज को? माफी चाहती हूँ, इतना शोर है कि कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हें यहाँ ध्यान देना होगा क्योंकि शोर की वजह से कम सुनाई देता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये क्या, काम शुरू करते ही धूल लग गई है, इसलिए डीजल हमेशा इतना गंदा रहता है। चट्टानों को खींचते हुए जीनी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच गई। मुझे ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचना था, लेकिन वो कौन सी है? सभी तो एक जैसी लगती हैं। अरे नहीं, मुझे किस फैक्ट्री में जाना है? मैं पहुंच गई। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। पर इतनी देर क्यों लग गई? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। सभी फैक्ट्रियाँ एक जैसी दिखती हैं। मालगाड़ी बनकर काम करना आसान नहीं, डीजल को कितनी मुश्किल होती होगी। जीनी और डीजल वापस चूचू शहर आ रहे हैं। हाय जीनी। हेलो डीजल। तो तुम्हारा काम कैसा रहा? काम? वो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल रहा। अच्छा? सामान बहुत भारी था और समझ नहीं आया कहाँ पहुँचना है। तुम हर रोज ये काम करते हो, तुम कमाल के हो डीजल। नहीं जीनी, मुझे लगता है तुम ज्यादा अच्छी हो। क्या? पूरा दिन मुझे लोगों की शिकायतें सुननी पड़ी, मुझे पता नहीं था ये काम इतना मुश्किल है। यात्रियों को हर रोज ले जाना, बहुत मेहनत करती हो तुम। शुक्रिया। और वो मैंने कहा था ना तुम्हारा काम आसान है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भी, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारा काम आसान समझा। कोई बात नहीं, लेकिन डीजल, मिस्टर हर्ब ने कुछ दिनों के लिए काम बदलने के लिए कहा है, मुझे तो कल की चिंता हो रही है। मुझे भी हो रही है, अगर मैंने फिर गड़बड़ कर दी तो। सुनो जीनी, तुम मुझे सिखा दो कि यात्रियों को कैसे लाओ ले जाऊं। सिखा दो? ठीक है, इसके बदले तुम मुझे सिखाओगे कि अच्छे से सामान कैसे खींचा जाता है। यही ठीक रहेगा, तो शुरू करते हैं। ठीक है। अगर रुकने की लाइन वहाँ पर है तो तुम्हें यहाँ से धीरे होना पड़ेगा। ओह, अब समझा मैं। जीनी और डीजल एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इस पटरी पर सीधे चलो, ये सीधा ईंट फैक्ट्री तक जाएगी। मैं समझ गई। अगले दिन की शुरुआत, और डीजल अपना काम शुरू कर चुका है। डीजल पहले ही धीरे हो जाओ। पहली बार में हो गया मुझसे, हम स्टेशन पर पहुंच गए। थैंक यू डीजल, आज मैं ऑफिस देर से नहीं पहुंचूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। जीनी भी काम करने के लिए खदान पहुंच गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जीनी, बहुत खुश दिख रही हो। सामान भरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। ओके, शुरू कर रहा हूँ। ये रही वो जगह। हेलो, मैं आ गई। हेलो जीनी। ओह, आज तो तुम काफी जल्दी आ गई। शुक्रिया जीनी। कोई बात नहीं। डीजल। हाय जीनी। आज तुम्हारा काम कैसा रहा? तुमने मेरी मदद की तो मेरी शिफ्ट अच्छी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जीनी। मुझे खुशी हुई।
तुमने मेरी मदद की तो मैं सामान समय पर पहुंचा पाई। अच्छा काम किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मैंने किया। झूठे। हेलो मिस्टर हर्ब। आ गए काम से तुम। एक दूसरे से काम बदल के कैसा लगा तुम्हें? सच कहूँ तो यात्रियों को लाना ले जाना बहुत मुश्किल है। सच में? हाँ, लेकिन जब यात्रियों ने मुझे शुक्रिया कहा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। मुझे भी मालगाड़ी का काम करना मुश्किल लगा, लेकिन उसके बाद मजा भी आया। चलो बहुत अच्छा हुआ, तुमने अच्छा सबक सीख लिया। दोनों ही काम जरूरी हैं, अपना अपना काम करो। क्या? हाँ? अपना अपना काम? क्या वही पहले वाला काम करें? क्यों, तुम चाहते हो हमेशा ऐसे ही चलता रहे? बिल्कुल नहीं, हमें अपना ही काम पसंद है। मुझे पता था ऐसे ही अच्छा काम करते रहो दोनों। जी सर। जीनी और डीजल को पता चल गया कि हर काम की अपनी मुश्किलें होती हैं। शाबाश जीनी और डीजल। बनी का कमाल का हुनर। ये वो खदान है जहां मालगाड़ियां काम करती हैं। अब मेरी बारी है। अरे मैनी आ गया। मैनी, आज पत्थर बहुत ज्यादा है, ले जाओगे ना? जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मैनी। वाह मैनी कमाल का है। अरे बाप रे, संभल के। रुको मैनी। शुक्रिया मैनी। कोई बात नहीं। मैनी ने शानदार काम किया। इससे ज्यादा ताकतवर मालगाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ मैंने भी नहीं देखी। बहुत शानदार काम किया। हाँ, मैनी का कोई जवाब नहीं। बर्नी अपना काम खत्म करने के बाद चूचू शहर लौट रहा है। बर्नी। हेलो। हेलो। सुनो बर्नी, क्या कोई परेशानी है? मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन तुम मेरी तरह बन जाओगे। इसने सही कहा, मुस्कुराओ बर्नी। तुम्हें लगता है मैं भी डीजल और मैनी जैसा बन सकता हूँ? तुम उन दोनों के जितने ही अच्छे बनोगे बर्नी। शुक्रिया, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं। क्यों नहीं, बस तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीजल तुम मेरी मदद करोगे? मदद? मुझे भी ताकतवर बनना है, बिल्कुल तुम्हारे और मैनी की तरह, पर समझ नहीं आता कि कैसे बनूं। तुम ताकतवर रेल बनना चाहते हो मेरी तरह? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया डीजल। डीजल बर्नी की मदद करेगा? डीजल ने बर्नी को ताकतवर मालगाड़ी बनने में मदद करने का फैसला किया। मजबूत मालगाड़ी की गरजदार आवाज होती है। गरजदार आवाज होती है? हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब तुम कोशिश करो। याहू। अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा ताकि आवाज गूंजे। ठीक है। याहू। याहू। बड़ा मुश्किल है। शाबाश, ये पहले से तेज थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सबक की ओर। क्या बस इतना ही? इस बार तुम बोगियों के साथ तेज दौड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन बोगियों के साथ तेज दौड़ना खतरनाक होता है। तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें तेज दौड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अरे बोगियां हिल रही हैं। दमदार मालगाड़ियां इसकी परवाह नहीं करती। तेज दौड़ो बर्नी। अच्छा ठीक है। उनकी प्रैक्टिस पूरी हुई। बर्नी और डीजल वापस शहर लौट रहे हैं। खुश हो तुम? अब तुम भी मेरी तरह दमदार गाड़ी हो। कह नहीं सकता,
अभी कुछ नहीं हो पाया। वाह फूल, सुंदर। मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि फूलों में ऐसा क्या खास है। वो सुंदर होते हैं। ये देखो खरगोश। हेलो खरगोश, मेरा नाम बर्नी है। बर्नी, मजबूत मालगाड़ियाँ खरगोशों के साथ नहीं खेलती, तो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे छोटे प्यारे खरगोश। जल्दी चलो। हाँ आ रहा हूँ। अगली सुबह बर्नी काम पर गया। अगली। गुड मॉर्निंग। ओह बर्नी, आज बड़े जोश में नजर आ रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजल ने ठीक ही कहा था। दमदार ट्रेन तेज चलती है। ये क्या, बर्नी तो गिर गया। ये बुरा हुआ। टिटीपो टिटीपो। मिस्टर हर्ब। तुम ठीक हो ना बर्नी? माफी चाहता हूँ मिस्टर हर्ब। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी इसको। तुम्हारे गिरने की खबर सुनकर मुझे चिंता हो रही थी। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। जी सर। क्या सच में? सच में? बर्नी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो बहुत तेज जा रहा था, गिर गया। लेकिन बर्नी तो ऐसे कभी तेज नहीं जाता। मेरे ख्याल से वो मेरी वजह से गिरा होगा। दमदार मालगाड़ी बनने के लिए मैंने ही उसे तेज दौड़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था? यहाँ इधर मैनी बंदरगाह पर काम कर रहा है। सामान रख रहा हूँ, आराम से रख रहा हूँ। ये हो गया। शुक्रिया, फिर मिलूंगा तुमसे। अरे मैनी, उसमें नाजुक सामान है, ध्यान रखना। चिंता मत करो। तेज चलता हूँ। एक ही तो डब्बा है, तो थोड़ा तेज चल लेता हूँ। बंदर, जानवर खतरनाक होते हैं। मैनी को एक डरावनी पुरानी बात याद आ गई। ताजी हवा। वो क्या है? ये तो भेड़े हैं। अरे भेड़ो हट जाओ। हट जाओ मुझ पर से। मैं और आगे नहीं जा सकता। मिस्टर हर्ब। मैनी, क्या बात है? मेरे डब्बे में बंदर है, लगता नहीं है कि आगे जा पाऊंगा। तुम वहीं इंतजार करो। हाँ। मैं किसी को भेजता हूँ। ठीक है। बर्नी, मैंने सुना तुम गिर गए, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं मजबूत मालगाड़ी बन पाऊंगा। बर्नी। जी कहिए मिस्टर हर्ब। क्या तुम अभी बंदरगाह जा सकते हो? कुछ जानवरों को लाते हुए मैंने मुश्किल में पड़ गया है। जानवर? मैनी जानवरों से बहुत डरता है। सच में? हेलो प्यारे खरगोश। चलो बर्नी, साथ चलकर मदद करो, तुम्हें जानवरों से लगाव है ना? हाँ? मदद? तो बर्नी और डीजल मैनी की मदद करने गए। मैनी! ओ बर्नी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। चिंता मत करो, सबसे पहले डब्बा अलग करो। ये डब्बा अलग क्यों नहीं हो रहा?
अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैनी, बंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आराम से फिर कोशिश करो। ठीक है। वाह, अलग हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया मैनी। शुक्रिया। अब पीछे चलो। बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी। कोई बात नहीं। हाँ? लगता है ये बंदर अभी भी परेशान हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो। एक गाना हो जाए। टीटी पो टीटी पो टीटी टीटी पो, मस्ती करो और चलते चलो छोटी ट्रेन टीटी पो। टीटी पो टीटी पो टीटी टीटी पो। सारे बंदर शांत हो गए। वाह क्या बात है। ये है मेरे भाई का कमाल। धूप खिले या बर्फ पड़े या हो बरसात का मौसम, हरदम चलते चलो बिना रुके बढ़ते चलो। टीटी पो। काम खत्म करने के बाद मैनी, बर्नी और डीजल वापस चूचू शहर आ गए। तुम दोनों वापस आ गए। बर्नी, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा, सबसे बढ़कर। शुक्रिया मैनी। डीजल, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्नी तुम्हारी वजह से गिर गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो बात ये है, मैंने कहा कि अगर तुम अच्छी मालगाड़ी बनना चाहते हो तो तेज भागो। बर्नी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया, मुझे पता चल गया मैं किस काम में अच्छा हूँ। बिल्कुल ठीक, अगर जानवरों को लेके आना है तो बर्नी सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बर्नी, एक शानदार मालगाड़ी। शुक्रिया दोस्तों। आखिरकार बर्नी को अपनी खूबी पता चल गई। मुबारक हो बर्नी। मिस्टर स्टीम का नया काम। आज टीटी पो की छुट्टी है। टीटी पो, गुड मॉर्निंग। तुम बाहर खेलने चलोगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। काम है? तो आज मैं क्या करूं? तुम मिस्टर स्टीम के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर स्टीम कौन है एरिक? वो पुराने जमाने के भाप के इंजन हैं। उनके साथ बहुत मजा आएगा, काफी मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मजेदार कहानियाँ? वो पुराने जमाने के किस्से सुनाएंगे तुम्हें। उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो शहर के बाहर एक स्टेशन पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक। मस्ती करना टीटी पो। हाँ जरूर। कहाँ पर होंगे वो? ओ, जरूर यही मिस्टर स्टीम होंगे, मजा आएगा। जरा सुनिए। लगता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम है टीटी पो। टीटी पो, मिलकर खुशी हुई, मुझे स्टीम कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एरिक ने कहा आपसे मिल लूं। उसने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी और मजेदार कहानियाँ हैं। ऐसा कहा? जी, मैं उनमें से कुछ मजेदार कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। जरूर सुनाऊंगा तुम्हें। अब कौन सी कहानी सुनाऊं मैं? क्या तुम जवान मिस्टर हर्ब की कहानी सुनना चाहोगे? जवान मिस्टर हर्ब जरूर सुनना चाहूंगा। इस बोर्ड पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखो। बोर्ड पर बनी तस्वीर? ये तो मिस्टर हर्ब है। ये मिस्टर हर्ब है। इस तस्वीर में ये आदमी सच में मिस्टर हर्ब है? वही है, पहचानना मुश्किल हो रहा है ना? जी। उन दिनों तुम्हारे मिस्टर हर्ब बहुत सारी गलतियाँ किया करते थे। मिस्टर हर्ब गलतियाँ किया करते थे? बिल्कुल, मुझे जवान हर्ब अच्छी तरह याद है। हर्ब, कहाँ चला गया ये? हर्ब, कहाँ हो तुम? याम 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 याम। स्टीम,
इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे थे? जरा मेरी आंख लग गई थी। जवान है, हमेशा झपकियां ही लेता रहता था। मैं अपने दोस्तों को जाके ये कहानी सुनाऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे। तो अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुरानी तरह की ट्रेन। मिस्टर स्टीम और टीटी पो ने पुराने जमाने की मजेदार कहानियाँ सुनते सुनाते अपना समय बिताया। अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी है तो फिर से आना तुम। जी जरूर। हाँ, आपका रूट कितने बजे है? मैं पुराने जमाने की रेल हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं दिया जाता। तो फिर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं? हाँ। अच्छी किस्मत है, आपको काम नहीं करना पड़ता और आप पूरा दिन सो सकते हैं। अगर कर पाता तो मैं काम जरूर किया करता टीटी पो। हाँ, वैसे यहाँ खड़े खड़े आप बोर हो जाते होंगे ना? हाँ। जब छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ घूमने चलिए। घूमने? लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता और अब उम्र भी हो गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करके टीटीपो मिस्टर स्टीम के साथ घूमने निकल पड़ा। बाहर आकर बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लगा? हाँ, जरा उधर देखिए। हाँ? वो है बंदरगाह। अरे वाह, ये कितना बदल गया है। अच्छा। बंदरगाह बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा है, कमाल है। अब मैं आपको वो रूट दिखाऊंगा जिस पर मैं जाता हूँ। ओह ठीक है। हेलो, हाय सिंग सिंग, बाय। क्या अभी कुछ निकला था यहाँ से? वो मेरी दोस्त है सिंग सिंग, बहुत तेज चलती है। सच में तेज है? ये मेरे रूट पर आने वाले स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। वाह, देखो मम्मी, वो ट्रेन कितनी अच्छी और अलग है। अरे हाँ, शायद कोई पुरानी ट्रेन है। देखो इसके ऊपर तो चिमनी बनी हुई है। क्योंकि मैं भाप का इंजन हूँ। मैं ये भी करता हूँ। कितना अच्छा है। क्या आप मुझे घुमा देंगे प्लीज? घुमा दूं? नहीं बेटा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आओ बेटा चढ़ जाओ। वाह! आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर स्टीम, आप ले जा पाएंगे ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से काम करके मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। मिस्टर स्टीम को रूट पर जाकर मजा आ रहा होगा। मिस्टर स्टीम अगले स्टेशन पर पहुंच गए। आप ठीक है मिस्टर स्टीम? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। मुझे लगता है ये मामूली खांसी नहीं है। लो, हम पहुंच गए स्टीम। इसके बहुत मजा आया। एक बार और शुक्रिया। कोई नहीं, थोड़ा आराम करते हैं। मिस्टर स्टीम, मैं हूँ एरिक। आप इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गए? ओह हेलो एरिक, टीटीपो और मैं घूमने निकले हैं। मिस्टर स्टीम ने कुछ लोगों को सैर भी करवाई। वाह क्या बात है। सॉरी मिस्टर स्टीम, पर मुझे अगले स्टॉप पर जाना होगा। अच्छा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। मिस्टर स्टीम, क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। एरिक, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मैं मदद के लिए फिक्स को बुला लेता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। फिक्स मिस्टर स्टीम को टीओ के पास ले जा रहा है। मिस्टर स्टीम, जांच के बाद आप बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सारी मेरी गलती है, मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे को घुमाने ले जाना मेरी गलती थी।
और एरिक को भी मेरी वजह से ही देर और परेशानी हुई। लगता है अब घूमना मेरी किस्मत में नहीं। मिस्टर स्टीम। हेलो मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। मैंने स्टीम के बारे में सुना, क्या हो गया था आज? वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए थे तो मैं उन्हें बाहर ले गया था, लेकिन फिर स्टेशन पर अचानक से उनका आगे बढ़ना रुक गया। समझ गया, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, असल में रिटायर होने के बाद स्टीम में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। अच्छा। जब वो काम करता था तो बहुत ही हंसमुख और जोशीला हुआ करता था। जानता हूँ, जब उन्होंने कुछ लोगों को सैर करवाई तो वो बहुत खुश थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिस्टर हब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा। मिस्टर स्टीम को यात्रियों को घुमाना पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था शायद उन्हें ये करना अच्छा लगेगा। अगला दिन शुरू हो चुका है, शायद मिस्टर स्टीम की जांच पूरी हो चुकी है। हाय मिस्टर स्टीम, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अब पहले से ठीक हूँ। टीटीपो। हेलो मिस्टर स्टीम, गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीटीपो। मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। स्टीम, कैसे हो तुम? ओह हर्बी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? आज से मैं स्टीम ट्रेन का टूर शुरू कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर जाओगे। स्टीम ट्रेन का टूर? आप वे स्टेशन के आसपास यात्रियों को घुमाएंगे? वाह, ये तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रियों को घुमाना है? तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। मैंने आपके कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए हैं, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं। सच? तो मैं दोबारा यात्रियों को घुमाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे शुक्रिया मत कहो दोस्त, ये आइडिया तो मुझे टीटीपो ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया टीटीपो। ऐसा करने के लिए शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं। वाह, कितने सारे लोग हैं। मिस्टर स्टीम आज बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। सब लोग बैठ गए हैं तो चलूं? हाँ। तो टूर शुरू करते हैं। दूसरी पारी की बधाई हो स्टीम, यूं ही चलते रहो। मजा आ गया। मिस्टर स्टीम फिर से सफर पर निकल पड़े। आपकी यात्रा अच्छी हो मिस्टर स्टीम।